मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भाई मैं, तुम भी निकल सको तो चलो। है कोई जो बता इस शब के मुसाफिरों को, कितना सफ़र हुआ है, कितना सफ़र बचा है। मेरा नाम आमिर है और हमारे चैनल द इंडियन ट्रेवलर में आपका स्वागत है। आज हम मोहम्मद के साथ यात्रा करेंगे। एंड यहाँ पर जो गेट है सऊदी एयरलाइन का इंटरनेशनल फ्लाइट्स का गेट नंबर सी, बस उसी के पास है गेट नंबर B2 और यहीं पर ही मिल जाता है जमजम। देखिए यहाँ पर गेट नंबर B2 है और यहीं पर ही जमजम का काउंटर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन ट्रैवलर चैनल एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम जिद्दा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अभी हम खड़े हैं जिद्दा के टर्मिनल 1 पर एंड आज इसी व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ जिद्दा का टर्मिनल 1। अभी हम अराइवल एरिया पे है, चलते ऊपर डिपार्चर एरिया, आगे एक्वेरियम भी है, अलबैक इज ऑल्सो हियर। मैं आपको बताता हूँ कि जो जो उमरा करने आ रहे हैं तो उनको कौन सी बस में बैठना है अकॉर्डिंग टू द वीजा कंपनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम खड़े करंटली पार्किंग लॉट पे, मैं बाहर आ गया था एयरपोर्ट के एंड अभी मैं डायरेक्ट आया ट्रेन से टू द जिद्दा एयरपोर्ट स्ट्रेट टर्मिनल 1। सो अभी चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, पहले चलते हैं डिपार्चर एरिया कवर करते हैं कैसा है क्या है और फिर वापस हम आते हैं नीचे और फिर नीचे चलेंगे वापस -1 लेवल पर। लेट्स गो। ये हवाई अड्डा सऊदी अरब का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जिसने 2018 में 41 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान। वी आर नाउ गोइंग टू द मेन डिपार्चर हॉल, चलो ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है, कौन सी फ्लाइट का चेक इन कहाँ पर हो रहा है, देखते हैं ऐसे एक्सप्लोर करते हैं। खैर मैं तो यहाँ पर कोई ग्रुप को रिसीव करने आया था, माई फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो दे आर कमिंग इन सऊदी एयरलाइंस SV771 विच इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। सो फ्लाइट रडार शोज दैट द फ्लाइट इज स्टिल 1 hour 10 minutes अवे फ्रॉम जिद्दा, सो वी हैव टाइम, सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर द एयरपोर्ट। सऊदी अरब के संस्थापक राजा अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर हवाई अड्डे का उद्घाटन 1981 में किया गया था। ये सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय यात्री। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट, द मेन चेक इन एयरपोर्ट। अभी हम नीचे अराइवल पे, देन अभी हम ऊपर आ गए, इट्स 12:12 राइट नाउ एंड दिस इज हाउ द मेन टर्मिनल बिल्डिंग इज लुकिंग। एंड बिकॉज वी आर नॉट फ्लाइंग टुडे, हम चेक इन के आगे तो ऑब्वियसली जा नहीं सकते, तो इतना कुछ चेक इन का तो एरिया वो दिखाना कुछ है नहीं, तो हम एयरपोर्ट के बाहर आ गए। मैं आपको एयरपोर्ट के बाहर के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर जो गेट है सऊदी एयरलाइन का इंटरनेशनल फ्लाइट्स का गेट नंबर सी, बस उसी के पास है गेट नंबर B2 और यहीं पर ही मिल जाता है जमजम। देखिए यहाँ पर गेट नंबर B2 है और यहीं पर ही जमजम का काउंटर है। पैसेंजर जा रहे हैं सऊदी से वो जमजम यहाँ से लेके जा सकते हैं एंड जमजम का रेट है अभी 12.5 रियाल, जो कि पहले था 8.5 रियाल फॉर 5 लीटर जमजम। सो आप एग्जैक्टली यही लोकेशन से आपका जमजम कलेक्ट कर सकते हैं। रुतबा तेरा आवाज़े हक, खुतबा तेरा आफाक। तो चलो अभी वापस नीचे चलते हैं, हम एस्केलेटर से वापस नीचे जाते हैं। ये डिपार्चर का एरिया है और गेट नंबर जो मैंने आपको बताया B2, वहाँ से एंटर होते हैं वहीं पर एस्केलेटर है नीचे अराइवल के एरिया में जाने के लिए, और अराइवल के एरिया में ही रेलवे स्टेशन है। सो अगर आपको हरमेना स्पीड कैच करनी है तो आपको अराइवल में आना पड़ेगा उसके लिए। एंड आप आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से इंटरनेशनल डोमेस्टिक के पैसेंजर बाहर आते हैं,
एंड जैसे ही आप बाहर आएंगे, दिस इज अ बिग एक्वेरियम एंड इट लुक्स सो प्रिटी। एंड जो आप एस्केलेटर देख रहे हैं इधर ही, आई मीन एक्वेरियम के पास ही है, वहीं से आपको नीचे जाना है जहाँ पर सारा उमरा वाली बसेस होती है, जो भी प्राइवेट आते हैं या वाया ग्रुप आते हैं, सबको यहीं से नीचे जाना है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिफ्ट लोकेटेड है, बस उसी लिफ्ट से आपको नीचे जाना है जहाँ पर सारे उमरा वाली बसेस होती है। तो चले वहीं पर अभी नीचे चलते हैं। एंड मेरे जो आप पीछे एस्केलेटर देख रहे हैं, वहां से आप यहाँ पर आओगे सो डायरेक्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको ये वाला काउंटर दिखेगा। और अगर आपको टर्मिनल 1 से नॉन टर्मिनल जाना है तो आपको यही काउंटर पर आना पड़ेगा। यहाँ पर 23 रियाल चार्ज करेंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू द बस शटल बस सर्विस फ्रॉम टर्मिनल 1 टू टर्मिनल नॉर्थ। तो चलो अभी वहां पर जाते, सारे उमरा वाले हाजियों की बस खड़ी होती है, वहीं पर चलते हैं हम। एंड अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहीं पर सारी उमरा वाली बस निकलती है। तो जो अपने अपने वीजा कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पे सारे पीपल मिल जाएंगे जिन्होंने नुसुक का कोड पहन रखा होगा, इनको आपका वीजा दिखाना है और आपका आपकी बस में बता देंगे तो बैठ जाने, स्ट्रेट आपको मक्का अल मुकर्रमा छोड़ देगी। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाहर से और हमारे फ्लाइट लैंड होने ही वाली है जो मैं आपको पहले बताया था। तो हमारे पास मीन टाइम है, तो चलो जोहर का वक्त हो गया, तो पहले आपको मैं प्रेयर रूम भी बता देता हूँ। प्रेयर रूम मेल का बस वहीं पे लोकेटेड है और फीमेल का इधर लोकेटेड है पीछे अलबैक के पास। चलो वजू करते हैं, प्रेयर रूम में नमाज अदा करते हैं पहले। एंड अगर अभी कोई आ रहा है मदीना से जिद्दा एयरपोर्ट के लिए, तो उसको अप्रोक्सीमेटली अगर वो ट्रेन में आ रहा है वाया हरमैन हाई स्पीड, तो उसको 172 रियाल पे करना पड़ेगा। और टैक्सी में आ रहे थे तो मदीना शरीफ में हरम शरीफ के करीब में ही टैक्सी मिल जाएगी, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 80-70 रियाल लगेगा और सीधा जिद्दा टर्मिनल 1 पे आ सकता है। टर्मिनल नॉर्थ है जो मैंने आपको बताया नीचे जहाँ पर ट्रांसफर होता है, वो थोड़ी दूर है टर्मिनल 1 से, वो एंड और वो पूरी अपोजिट साइड एयरपोर्ट की है, टर्मिनल 1 यहीं पर है। और टर्मिनल 1 पे अलबैक भी है, सबवे भी, एक्वेरियम मैंने आपको बताया। खैर सबवे तो इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड अलबैक ऑब्वियसली उसके कंपेरिजन में बहुत ही चीपर है। सो अलबैक इज द बेस्ट ऑप्शन टू ईट अवेलेबल जिद्दा एयरपोर्ट। And if you want to go to Makkah al-Mukarrama from Jeddah Airport, train direct available, it will somewhere cost you somewhere around 60 riyal to 80 riyal and taxi may be approximately, अगर आप sharing में जाएंगे तो इतना ही लगेगा। एंड अगर आप पूरी फैमिली है तो पूरी कार करा के जाते हैं, सो आपको लगेगा तकरीबन 120 to 150, that's it।